उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गढ़वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सिकरिया कला में आज आपको बता चले कंबल विस्तार समारोह का आयोजन किया गया है। हाजी गुलाब फरीद खान के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों के लिए 501 लोगों को कंबल वितरण किया गया, मिठाई वितरण भी की गई है, साथ में ही 200 लोगों को भेंट करके सम्मानित भी किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी हाजी गुलफरीदा साहब रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाषण में कि कंबल वितरण के बहाने हमने धर्म के लोग को साथ ही एक ऐसा मंच लाने की कोशिश की जिसमें आपसी भाईचारा बन सके। प्राइम डे के न्यूज चैनल के लिए सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट बलिया से। आज कैसा कार्यक्रम है, आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज कमल वितरण का प्रोग्राम था और 150 आदमी का सम्मानित करने का। जी आज कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया? 500 लोगों। जी इस ठंडी के मौसम में आप कंबल वितरण करने कर रहे हैं, इस माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? इस माध्यम से लोगों का कुछ सेवा होगा, जो मतलब जरूरतमंद जो लोग हैं, आवश्यकता जो इसका है मतलब कंबल का, उनके लिए मतलब ये जरिया बनेगा उनका मतलब सहयोग के लिए। ग्राम सिकरिया कला आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर है? कार्यक्रम सम्मान जो भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको जरूरत है, आवश्यकता है, इस ठंड से ठिठुर रहे हैं, उन लोगों को आपके तरफ से हाजी साहब की तरफ से कंबल वितरण जो है कार्यक्रम हुआ है, यह जो है एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जी आज कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या आप कहना चाहते हैं? कार्यक्रम के माध्यम से यही है कि यह कार्यक्रम हर एक गांव में ऐसे महान पुरुष अपना जो है योगदान समाज में देते रहें, मैं तो यही कहूंगा कि हर एक गांव में ऐसा महान व्यक्तित्व पैदा हो। भोसड़ी शायर भोसड़ी जिला मऊ, आज मुझे सिकरिया कला जिला बलिया में कुछ कहने के लिए बुलाया गया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ चचा जान जिन्होंने इतना खूबसूरत, मैंने पहली बार देखा जहाँ गंगा जमनी तहजीब और सिकरिया कला में ज़रूरतमंदों को, दीनहीन शोषित पीड़ित लोगों को एक ज़रूरत बन के एक जरिया बन करके हमारे चचा जान जो प्रधान हाजी गुफरान गुलफरीद साहब जो प्रधान पद के बेहतरीन उम्मीदवार भी हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पर जिसकी ज़रूरत बनते हैं। मैं तो शायर हूँ, शायर के ज़रिए अपनी बात को कहूँगा कि वो अपनी ज़ात सदा बेमिसाल रखता है, वो अपनी ज़ात सदा बेमिसाल रखता है, खुलूस प्यार वफा बाग कमाल लगता है, ज़माना कहता है जिसको गुलफरीद खान, वो तो सभी गरीबों का ख्याल रखता है, सभी गरीबों का वो तो ख्याल रखता है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हुए दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सिकरिया कला वालों की मोहब्बत को सलाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर ज़िले में, हर गाँव में, हर शहर में गुलफरीद खान होना चाहिए जो ज़रूरतमंद लोगों को, दीनहीन शोषित पीड़ित लोगों को। सिकरिया निवासी हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ। जी गाँव आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज खास तौर से हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे गांव में बहुत दुनिया तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है कि गांव तरक्की करे और एजुकेशन में भी आगे आए, हम लोग बहुत पीछे हैं इस मामले में। हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस सुविधा हो और भी बहुत सा ऐसा काम है, हरियाली लाने के लिए भी हम लोग काम करेंगे, वृक्षारोपण का काम करेंगे और ख़ास तौर से स्वास्थ्य केंद्र का हम लोग निर्माण करने का कोशिश करेंगे और सबसे हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर अपने गाँव की तरक्की के लिए हम लोग काम करें, इसमें सबको साथ देना है। जी आज कितना कंबल वितरण किया गया, कितने लोगों को सम्मानित किया गया? आज कम से कम मेरे अजीज दोस्त और अहबाब जितने भी लोग हैं करीब करीब 500 आदमी को कंबल वितरण हुआ है, जिसमें सभी मेरे दोस्त हैं, किसी को हम तो गरीब कह नहीं सकते। और सम्मानित कितने लोग किया गया था? सम्मानित 150 आदमी को सम्मानित किया गया है जो मेरे खास तरीके से दोस्त भी हैं। कर लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।